तो परमादरणीय पंच कमेटी एवं मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी जिगरी के शौकीन श्रोता, इस पृथ्वी का श्रृंगार गंगा यमुना के समान पवित्र सती अनुसुईया सावित्री जैसी मेरी माता और बहन, सभी के चरणों में मेरा हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार, राम राम से, राम राम से। मैं तो आप सभी से बार बार यही निवेदन करूंगा, शांति बनाएंगे बड़े। आपके मेले में अच्छे अच्छे कलाकार पधारे हुए हैं, मैं तो उन कलाकारों की जो चरणों की रज हुआ करती है वो भी नहीं। कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी, मार साहब क्या लिख रहे हैं? ये पहलो गुरु मान तो, ये पहलो गुरु मान तो मान अपनी मात को, और ये जान तो कु चलनो, और ये बोलनो सिखायो है, आज दूजो गुरु माने तो माने अपने बाप को, याने तो कु जीवन को पाठ पढ़ायो है। गुरु गुरु कहे तो सारी जग में तू डोल लियो, और ये फिर भी गुरु ये तेने नकली बनायो है, आज ये असली गुरु या तेरे घट में विराज रहो, या को तू आज तक खोज नहीं आयो है। आदरणीय विद्वानों, जिक्री की जिसे धरोहर कहा करते हैं वो वास्तविक साखी होती है, और साखी अध्यात्म में सुनेंगे साखी के माध्यम से गुरुदेव। ये छोड़ी चलो है बेदर्दी, ये कंचन दे और ले कंचन दे रे रोई रोए के, और ये काया वादिन के हो।
आदरणीय श्रोताओं, अपना ध्यान को लगाएंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग मेरा उस समय का है जिस समय वह छोटा सा बालक अभिमन्यु जब चक्रव्यूह के अंदर मारा गया। अभिमन्यु का वध हुआ चक्रव्यूह दरमियान। मन मलिन मन में हुए सो कृष्ण चंद। आदरणीय श्रोताओं, इधर में भगवान श्याम सुंदर और वो अर्जुन दोनों संसप्तकों से और उत्तर की दिशा से युद्ध लड़के वापस हो रहे थे। बियाबान जंगल में आते ही भगवान श्याम सुंदर ने रथ को रोक दिया और अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या कारण है, आपका चेहरा मलिन है, अरे आप क्यों उदास हो, आपकी आंखों से मुझे आज ये आंसुओं की झलक मालूम हो रही है। इतने वचनों को सुना और भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन ले सुन। तो देखिए, सबसे पहले भजन में जो गाया होता है वो एक ही होता है और भजन प्रारंभ कर रहा हूं तो सुनेंगे गाया और गाये के माध्यम से गुरुदेव क्या कहने लगे। और आपके लिए 51 रुपए भाई देवी सिंह जी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोए चक्रव्यूह में और ये फंसे भैया चक्र में फंसो कौन बताई मैं भाई। सुगयोसना को खाए भीम ने नार नवाई मेरे भाई। आदरणीय श्रोताओं, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ले सुन। तो क्या कहने लगे मार साहब, एक कोटि द्रोण गुरु न्यारो। और या में पांडन को एरे या में पांडन को एक कबीर बात न कहो भैया। और ये क्या मर्द का पुरस्कार भाई ज्वाला को और माला पहन करके स्वागत कराया और एक क्या मर्द पे भाई चले ना चारों
51 रुपए का पुरस्कार भाई ज्ञान सिंह नेता जी सजोला। होनहार बलवान जगत और दरम्यान चले ना चारो क्यों यह मेटी हो या मेट सके ना कोई भैया जो रखो ये 51 रुपए भाई सुभाषी दे रहे हैं धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विद्वानों इसी के साथ साथ कभी लिख रहे हैं और वही बात भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं अर्जुन से जब प्रभो मरता जब भगवान श्याम सुंदर की बातों को सुना अर्जुन ने आज अर्जुन के नेत्र सजल हो गए। जब अर्जुन की तरफ भगवान श्याम सुंदर ने देखा मार साहब तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे अर्जुन क्यों रो रहा है क्यों तो कैसे कहा ये जिंदगी में क्या बात है मार साहब जवाब दिया अर्जुन सुन वो जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े क्या बात है वो जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े क्यों ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे रंजीत जी चाहर साहब उनकी तरफ से और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारी जो पहलवान जी हैं एदल सिंह उनकी तरफ से हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मार साहब ये जिंदगी में आए हाय जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े क्यों ओ हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े अर्जुन वो ना वो राजा आए हाय ना वो राजा रहा ना वो रानी रही ना वो राजा रहा ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी राम गोपाल जी की तरफ से आए और ये 51 रुपए का पुरस्कार भैया जी अशोक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहा ना वो राजा रहा सुन तू रो रहा है ना वो राजा रहा ना वो रानी रही और केवल कहने और सुनने कहानी रही सुन कोठी बंगला खड़े के खड़े रह गए हंस जब जब उड़े तो अकेला आदरणीय श्रोताओं इतने वचनों को सुना जब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से तो अर्जुन ने कहा प्रभु सुनिए अब अर्जुन ने क्या कहा है मां साहब भगवान श्याम सुंदर से ये तेरी कुदरत से मैं तो हे प्रभु ये तेरी कुदरत से मैं तो और ये परेशान हूं हे प्रभु तेरे दिल में समाई है क्यों अर्जुन ने कहा तेरी कुदरत से मैं तो परेशान हूं हे
जमाई है क्यों? कैसे कहा मासा? तेरी कुदरत रुपए का पुरस्कार बहादुर सिंह चाचा जी की तरफ से हमें ये आशीर्वाद मिला है। कैसे मार साहब? तेरी कुदरत से मैं तो परेशान हूं, हे प्रभु तेरे दिल में समाई है क्यों? वो क्यों? जन्म देता है तू, जन्म देता है तू इस जहां में अगर, हे प्रभु जन्म देता है तू इस जहां में अगर, बाद में मौत तू बनाई है क्यों? क्या बात है मासा? सजनों अर्जुन ने कहा है, कैसे मार साहब? ये रल सुन के, ये रल सुन के कृष्ण हो सुन के कृष्ण और ये चंद की लेबानी और ये भैया ने नाना ते ढरा रहो पानी आ। सजनों जब भगवान श्याम सुंदर के वचनों को सुना, जब भगवान श्याम सुंदर ने कहा अर्जुन आज मुझे ऐसे अस्कुन मालूम होते हैं, न जाने पांडवों की तरफ से कोई योद्धा मारा गया। इतने वचनों को सुना और अर्जुन ने कहा प्रभु कैसे? ये रल सुन के कृष्ण चंद की लबानी और नैनते ढरक रहो पानी। अरे या ही तू मरो या भाई, तू मरो या भाई या मेरो मारो है कुमार बल गाई। सुनेंगे ढोला और ढोला में अर्जुन कह रहे हैं मार साहब कैसे? एरलधारिया के देखने ननते बरस रही बाद न क्यों? ये बेटा मरो है
श्याम सुंदर समझा रहे अर्जुन के लिए कैसे शोभिया मेरे सुन अर्जुन के बैन बिमलेश तैयार है बिमलेश ये पांडे सुती तुम हो अज्ञानी हे अर्जुन ये पांडे सुती तुम हो अज्ञानी बहा रहे नैनन से पानी जल्द तुम घर को करो बयान जल्द तुम घर को करो बयान और सजी ये उड़ान आप सुन रहे हैं तीन ताल सोलह मात्रा से लेकिन इसकी जो तर्ज है वो तर्ज क्या कह रही है मां साहब ओ हाथ मत पकड़ो मनमोहन ए ओ हाथ मत पकड़ो मनमोहन कलाई टूट जाएगी जवाहर से जड़ी चूड़ी ये हमारी टूट जाएगी क्या बात है सजी घर को करो बयान सब कुछ मालूम हो नगर में कौन मनो बलवान राम सर बहुत बहुत धन्यवाद विमलेश बहुत धन्यवाद